आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल दौरे पर आई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की खबर के साथ। खबर है जहां आज प्रियंका और सोनिया गांधी सोलन के नागलोक मंदिर जा सकती हैं। दोनों वहां पूजा पाठ करेंगी। नागलोक मंदिर सोलन के साधुपुल के रामलोक मंदिर परिसर में बना हुआ है, जो दुनिया का इकलौता नागलोक मंदिर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो दिन पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी दौरे पर राजधानी शिमला पहुंची थी। अपने निवास छराबड़ा में वो रुकी थी और आज ये माना जा रहा है कि सोलन के दौरे पर जा सकती हैं, जहां पर खास तौर पर नागलोक मंदिर, जो कि दुनिया में इकलौता नाग देवता का मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर सकती हैं। दोनों वहां पर पूजा पाठ करेंगी। सोलन के साधु पुल के रामलोक मंदिर परिसर में ये नागलोक मंदिर बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जहां ये नागलोक मंदिर दुनिया का इकलौता एकमात्र नाग देवता का मंदिर है। भव्य मंदिर ये बनाया गया है। सोलन के साधु पुल में ये मंदिर स्थित है और महत्वपूर्ण मान्यता इस मंदिर की है। दूर दराज से लोग यहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं। हालांकि अभी निर्माणाधीन है, इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन पर मौजूद है। रणबीर, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा आज नागलोक मंदिर जा सकती हैं, सोलन के दौरे पर जा सकती हैं, क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल रही हैं रणबीर? जी हाँ, देखिए इसको लेकर काफी पहले भी अगस्त महीने में एक जानकारी आई थी कि जो इस मंदिर के संचालक है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि सोनिया गांधी को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सोनिया और प्रियंका गांधी यहाँ शिमला में ही है, छराबड़ा में जो प्रियंका गांधी का घर है वहां पर वो रुकी है मंगलवार को शिमला पहुंची। तो ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब वो यहाँ शिमला, भले उनका निजी दौरा है, तो इस दौरान आज वो नागलोक मंदिर जा सकती हैं। अभी तक की जानकारी ये है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ये कंफर्मेशन आना बाकी है कि आज वो जाएंगी या फिर कोई और दिन निर्धारित होगा। इसको लेकर थोड़ी देर में शायद से स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जैसे कि जानकारियां निकल कर आ रही है कि यहाँ सोनिया गांधी को न्योता दिया गया है, तो इस मंदिर की अपनी विशेषता है और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है, जो मंदिर का संचालक जो संचालन करते हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है और ये दुनिया का पहला नागलोक मंदिर है। ये काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, एनएच के थोड़ा करीब है, तो यहाँ पर पहुंचना भी आसान है। और इससे पहले भी कुछ जो बड़े नाम है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ तो सार्वजनिक रूप से देखे गए हैं कि वो यहाँ पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, दर्शनों के लिए गए हैं, जिसमें राजनेताओं के नाम प्रमुख तौर पर हैं। जो यहाँ के संचालक हैं उनके पास काफी बड़े बड़े जो लोग हैं उनका आना जाना यहाँ पर रहता है। तो इस मंदिर की अपनी भी विशेषताएं हैं। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर पहुंचती है या नहीं, लेकिन जानकारी यही है कि इसी दौरान जो है जब सोनिया गांधी यहाँ पर है वो इस मंदिर के लिए जाएंगी। हालांकि वहां पर जहाँ पर इस ये मंदिर है वहाँ आसपास जो है काफी दिनों से ये जानकारी है कि खुफिया तंत्र भी काफी सक्रिय है और सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पर पुख्ता की गई है, चाक चौबंद है वहाँ पर। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि वो यहाँ पर जाएंगे या नहीं। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के दौरे पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंची हुई है, और बीते कल जो खबरें निकल कर आई थी कि शिव बॉडी के परिवार में, शिव बॉडी में जो हादसा हुआ था वहां पर जो परिवार प्रभावित हुआ था उस परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर गई और लोगों से मुलाकात उन्होंने वहां पर की है। और क्योंकि बाढ़ में सोलन को भी खासा नुकसान हुआ है और माना यह जा रहा है कि सोलन के दौरे पर आज जा सकती हैं, तो क्या बाढ़ प्रभावित कुछ ऐसे लोग सोलन में जो हैं उनसे सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात कर सकती हैं?
देखिए ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पूरी तरह से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का निजी दौरा है। इससे पहले भी वो यहाँ पर आते रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर आते रहे हैं। जब इनका पूरी तरह से जो निजी दौरा रहता है उस दौरान कोई खास सार्वजनिक कार्यक्रम आज तक देखे नहीं गए हैं या कोई पब्लिक मीटिंग देखी नहीं गई है। पिछले कल प्रियंका गांधी गई थी यहाँ जो शिवबौड़ी में जो हादसा हुआ था, यहाँ एमआई रूम में गए थे दिवंगत पवन शर्मा के परिवार से मिलने, तो ये जानकारी निकल कर आई है कि जब वो शिवबौड़ी आई थी पहले उस दौरान उनके परिवार का सदस्य कोई नहीं था। उस दौरान उन्होंने ये वादा किया था कि वो फिर से जब शिमला आएंगी तो दोबारा उनसे मिलने आएंगी। तो बेहद गुपचुप तरीके से, जिसे कहा जाता है कि एक निजी दौरा होता है, एक निजी दौरे के तहत वो यहाँ पर आई थी, किसी को सूचना नहीं दी गई थी। और ये भी यहाँ पर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का यहाँ उनके पीड़ित परिवार के प्रभावित परिवार के घर जाना और यहाँ के एमएलए को सूचना ना देना और यहाँ के जो काउंसलर हैं लोकल उनको भी सूचना ना देना, तो ये तो ये यही बताता है कि पूरी तरह से निजी दौरा था। किसी तरह का कोई यहाँ पर ऐसा ना तो मीडिया को कोई इनविटेशन था, तो पूरी तरह से ये निजी दौरा उनका था। तो ये व्यक्तिगत हम ये कह सकते हैं उनका पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ना मीडिया को जानकारी है, ना जो स्थानीय विधायक हैं उन्हें कोई जानकारी है, तो पूरी तरीके से ये निजी दौरा है। और फिर क्या कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे वो तो जब जिन जिन स्थानों पर प्रियंका गांधी, वाड्रा, सोनिया गांधी जाएंगी तभी इसका खुलासा होगा। रणवीर, हालांकि आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी, वाड्रा, सोनिया गांधी हिमाचल के दौरे पर आई हुई हैं। शिमला में वो मौजूद हैं, अपने छराबड़ा उनका निवास है, निजी निवास है छराबड़ा में। और इसी निजी दौरे में वो तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं। और आज माना यह जा रहा है कि साधुपुल में स्थित नागलोक मंदिर वो दर्शन के लिए पहुंच सकती हैं। दुनिया का पहला नागलोक मंदिर है ये दावा किया जा रहा है। विशेष महत्व इस मंदिर का है। रामलोक मंदिर परिसर में ये मंदिर स्थित है और सोलन का ये नागलोक मंदिर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया का पहला नागलोक मंदिर है। साधुपुल जो कि एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है, दूर दराज से लोग जब शिमला सोलन घूमने आते हैं तो साधुपुल का रुख करते हैं। और यहाँ पर रामलोक मंदिर परिसर में ही नागलोक मंदिर बना हुआ है और ये नागलोक मंदिर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और हर प्रजाति के नाग की यहाँ पर मूर्ति है ऐसा दावा भी किया जा रहा है। शेषनाग माता की मूर्ति विशेष तौर पर यहाँ स्थापित की गई है और इस मंदिर का विस्तार भी किया जा रहा है। जिस तरीके से ये अपनी पहचान बनाए हुए हैं, सर्प महायज्ञ यहाँ पर हुआ था कलयुग में, पहली बार सर्प महायज्ञ का दावा यहाँ पर होने का किया जाता है। आपको बता दें कि मान्यता ये भी है कि यज्ञ में सर्पराज तक्षक ने दर्शन दिए थे, जो यहाँ के लोग इस महायज्ञ में शामिल हुए थे उन्होंने ये दावा किया है। यज्ञ के दौरान नागराज के प्रकट होने का भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है और हर प्रजाति के नाग की यहाँ पर मूर्ति है। मंदिर सोमवार, गुरुवार, शनिवार को खुला रहता है, इसके अलावा ये मंदिर आंशिक रूप से बंद रहता है। साधुपुल में नागलोक मंदिर स्थित है। सोलन का साधुपुल एक पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर रामलोक मंदिर है और इसी परिसर में ये नागलोक मंदिर भव्य तरीके से इसका निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और वहीं कल प्रियंका गांधी ने शिमला के शिव बावड़ी भूस्खलन की चपेट में आए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वो उस परिवार से भी मिली जिस परिवार में 7 सदस्यों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि इसमें पहले प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर को आपदा प्रभावित शिव बावड़ी का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने दोबारा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही थी। प्रियंका के इस दौरे के बीच हिमाचल में पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों आमने सामने हैं। इस मामले में रोजाना वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपने 3 दिनों के किन्नौर प्रवास के अंतिम दिन हिंदुस्तान के प्रथम गांव चितकुल के साथ लगते आईटीबीपी के प्रथम चौकी पर पहुंचकर आईटीबीपी के जवानों का
हौसला बढ़ाया और भारत तिब्बत चीन सीमाओं की जानकारी भी हासिल की। राज्यपाल ने आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों के साथ मिलकर भारत माता की जय घोष की। उन्होंने कहा कि सांगला घाटी के वाइब्रेंट विलेज बटसेरी गांव में जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की मांग ग्रामीणों ने उठाई है, उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो असुविधा है उसको सुविधा में बदलने का काम शुरू कर दिया। इस समय हम आईटीबीपी के इस कैंप पर हैं। हम यहाँ आए हैं कि अपने उन जवानों को भी बूस्टअप करने के लिए जो यहाँ रह कर करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से तालमेल भी बिठा रहे हैं, तो इनकी भी समस्या देखने आया था कि इनकी समस्या क्या है। जिस हमारे साथ जिले के जो है डिप्टी कमिश्नर और आ करके उनकी समस्याओं को जान करके, जैसे यहाँ बाढ़ बन रहा है, बाढ़ के अंदर कट गया था, ग्रामीणों का यह मार्ग है वो भी कटने की स्थिति थी, तो इस सब की जानकारी कर करके उस सब को मिला करके उसको ठीक कराने का काम करेंगे। और सोलन के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत रेहड़ के गांव संवा में दो भाइयों की ढांक से गिरकर मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी सोलन पहुंचे और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मीडिया से भी बात की। घटना बेहद दर्दनाक है, ऐसा कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता मृतकों के परिवार की करने के लिए सरकार कार्य करेगी और आने वाले दिनों में यदि उनके परिवार से किसी भी सदस्य को नौकरी की जरूरत होगी तो उसे नौकरी देने का प्रावधान भी सरकार करेगी। तेजसवा गांव की दुर्घटना हुई है। एक गाय को सर्ट ऑफ अंतिम दफनाने के लिए, बदाने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ऊंचाई पर जाकर ये दुर्घटना हुई, जिसमें एक भाई जो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि भी बचाए उसको, दूसरा उसके बचाने के लिए आओ, दोनों नीचे उसके साथ ही चले गए। और ये इस दुर्घटना में जो दो भाइयों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है, सरकार उनके परिजनों को जिस प्रकार से भी, उनकी पत्नी उनको भी राहत देगी और आज एक इमीडिएट राहत के रूप में सिर्फ 50,000 रुपये का एक छोटा सा अंशदान इनको दिया है। इसके बाद इनकी और सहायता की जाएगी और इनके जो परिजन हैं, जैसे पत्नी हैं, उनको नौकरी में लगाने। और आगे ऊना से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग, भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंज में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी।
पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। और ब्रेक के बाद खबर ऊना से, जहां के बहडाला गांव का एक युवक का कुवैत में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। हालांकि इस युवक को 23 सितंबर को घर वापसी करनी थी, लेकिन अभी तक ना तो यह युवक खुद वापस घर पहुंचा है और ना ही इसकी कोई खबर परिजनों तक पहुंची है। वहीं राजकुमार के पिता ओंकार सिंह ने बताया कि परिवार का पालन पोषण करने की जद्दोजहद के चलते उनका बेटा कुवैत गया था, लेकिन अब उनका बेटा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बेटे को कुवैत भेजने वाले एजेंट के माध्यम से भी वो संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय दूतावास में भी ईमेल के माध्यम से संपर्क साधा गया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बेटे के लापता होने से चिंतित दिख रहे पिता ने सरकार से मदद की अब गुहार लगाई है। सर, मेरे हस्बैंड वहां पे फूड डिलीवरी के लिए गए थे। उनका वहाँ पे वीज़ा लगा हुआ था, 2 साल का वीज़ा था, पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था वो वहाँ पे हमें क्लियर नहीं मिला कि जैसे हमारे साथ बात हुई थी वैसे नहीं, सैलरी भी प्रॉपर नहीं मिली थी। हमने एजेंट को भी इसके बारे में बताया, पर एजेंट ने हमें 9 महीनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे फर्स्ट सैलरी आई हमने उसको बताया कि ऐसे हुआ है, फिर मैंने एजेंट को ये भी बताया कि अभी वो वापसी कर रही हैं, उनकी 23 तारीख को वापसी है, पर वापसी के दिन हम वेट करते रहे कि वो वापस आएंगे। 24 भी हो गए पर वो वापस नहीं आए। फिर हमने एजेंट को कॉल किया, सारा दिन सर उसके पास बैठे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ पे उनको ढूंढे। हमने अनुराग जी से कहा था, उनको मेल भेज रखी है, बग्गा जी को, बलबीर बग्गा जी है, उन्हें भी कह रखा था, पर अभी भी हमारे पास कोई मदद नहीं आई है। सर, हम यही चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड जैसे गए थे वैसे ही घर वापस आए। मामला यही है जी, 13 जनवरी को वो गए, 14 को पहुँच गए थे, उसके बाद जो एग्रीमेंट एजेंट ने हमारे साथ किया है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा। वो 3 महीने वैसे खाली बैठा रहा वो बेटा, उसके बाद काम पे लगाया तो उसकी आईडी नहीं बनाई उन्होंने कुछ भी, कोई इंश्योरेंस नहीं है, बैग का काम था, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे को तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद उसने फ्लाइट मतलब अपना 24 की फ्लाइट बुक कराई है, यहाँ पर पहुँचा नहीं है वो। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारा बेटा ठीक ठाक यहाँ पहुंच जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य की प्राथमिक पाठशाला बसाल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको ये बता दें कि जोन स्तर पर जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया था उनके लिए विशेष प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। उन्हें खेल में जीतने के लिए आवश्यक टिप्स भी दिए गए। ये प्रशिक्षण 2 दिनों तक चला जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाठशाला जैसे आपको बताइए बसाल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कोचिंग कैंप लगाया गया। ये कोचिंग कैंप हमारा 24 से शुरू हो गया था और आज इसका आखिरी दिन है कोचिंग का। और इसके बाद जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए बच्चे पहले हो चुके थे, 70-80 बच्चे लगभग आए हैं यहाँ पे, जिसमें सारे करवाए जाएंगे एथलीट्स और बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, लॉन्ग जम्प, हाई जम्प। और अब हम लोग कल खंड प्रतियोगिता के लिए कोठो जा रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है खेलकूद प्रतियोगिता भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, बच्चे बहुत ही खुश हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आगे भी हम कुछ ना कुछ शील्ड लेकर ही आए क्योंकि बहुत अच्छी बच्चों ने प्रैक्टिस की है। सब अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं जिन्होंने भेजा और अपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया और हमारे साथ आगे भेजने के लिए भी वो तैयार हो गए। चलिए हमीरपुर से खबर आपको देते हैं जहां प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रेम कौशल ने जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने आपदा के दौर में जमकर राजनीति की है और लोगों को मदद की दरकार थी, लेकिन उस दौरान भाजपा की पॉलिसी रही जिससे नायक बनने के प्रयास में खलनायक बनकर भाजपा सामने आई है। और
पहली बार हो रहा है कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बजाय केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो एक राजनीतिक ड्रामे के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं, और वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कल शिमला बुलाया गया जिनको नियुक्ति जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी। तो ये कौन सा कैसा ड्रामा है कि नियुक्ति पत्र तो विभागों की तरफ से घर को आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को, तो आप एक जगह भेड़ों की तरह जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने उनके ऊपर एहसान किया है? तो ये सरकार और अनुराग ठाकुर की सोच में समझता हूँ प्रदेश हित में नहीं है, वो इस चीज का हिसाब दें। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और मेले के राजनीतिकरण करने पर जिला प्रशासन की कड़ी निंदा भी की। सांसद ने कहा कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते यहां भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद समेत क्षेत्र से चुने भाजपा विधायक को भी मेले के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य स्तरीय मेले में पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रदेशवासियों को, पछाड़वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत प्राचीन समय से ये मेला बावन द्वादशी मेला के नाम से पछाड़ में आयोजित होता है। मैं समझता हूं मेले को और भव्य बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से इसका राजनीति करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेला सभी का, किसी एक दल का, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र की जो प्राचीन संस्कृति या जो पिछले समय से लंबा इसका इतिहास रहा है, ये सभी लोगों का मेला है। आयोजित होता रहा लेकिन कभी ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिली। जब विपक्ष के लोगों को मेले का आमंत्रण ही ना मिले, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब ना लोकल विधायक को ना दूसरे जितने भी बीडीसी के चेयरमैन हैं, लोकल प्रधान उपप्रधान हैं या क्षेत्र के जो दूसरे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको आमंत्रण दिया गया। मैं स्वयं इसी क्षेत्र से हूं, यहीं से दो बार विधायक बना और मेरी तो स्कूलिंग भी सराहा में हुई है। नूरपुर में भाजपा मंडल ने बंद पड़े इंडोर स्टेडियम को लेकर एसडीएम गुरसिमर सिंह के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया की अगुवाई में सरकार को भेजा गया। आपको बता दें कि नूरपुर के चौगान में करोड़ों की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया था, जिसमें पिछली सरकार के समय इसका उद्घाटन भी हुआ और जहां प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी कराई गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही स्टेडियम की सूरत भी बदल गई। खबर नालागढ़ से, जहां बेला मंदिर में लगने वाली केमिकल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने कंपनी के गेट पर एक बार फिर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर फैक्ट्री यहां गांव में लगती है तो 10 किलोमीटर तक के दर्जनों गांव पर इसका असर पड़ेगा और दर्जनों गांव के लोग कैंसर और घातक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। पहली बात तो सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा यहाँ पे कोई केमिकल और चीजें नहीं बन रही हैं जिनकी वजह से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ये टोटली जो है मतलब कि बायोफ्यूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है बायोफ्यूल, जो मोदी की एक पॉलिसी है कि बाहर से डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो बाहर से कच्चा तेल डॉलर से हम मंगाते हैं वहां पे करके, जो इंडिया में हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, काफी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना जो साधन है, साधन में मतलब ये है कि जो आजकल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसमें ग्रेन बेस्ड जो है आजकल हम बायोफ्यूल का लेके आ रहे हैं। सर इसमें जो रॉ मटेरियल है आपका राइस है, दूसरा है मक्का है, दो चीजें मतलब कि इसमें जो है इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसके मतलब कि ओनली ये बायोफ्यूल ही नहीं निकलता है, इसके साथ में आपका जो है DDGS निकलता है इसमें, जो डिजिटल ड्राइड जो है आपका प्रोडक्ट निकलता है, जो उसको हम कैटल फीड में यूज करते हैं, दूसरा उसके अंदर। और नियमित जांच के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर अभियान शुरू किया गया है। जन जागरूकता बढ़ाने की यह पहल
फेडरल बैंक, न्यूज 18 नेटवर्क और टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन के लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी कोई इवेंट नहीं है, ये राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा है। अधिक लोगों और संगठनों को इसमें शामिल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक केवल इवेंट नहीं है, ये इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा, ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहां कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहां कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है, स्वास्थ्य ये शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।